नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला लग्न के जो जातक हैं उनकी कुंडली में लव मैरिज के और प्रेम विवाह के के योग को देखना है, तो उसके लिए कौन से भाव, कौन से ग्रह आदि को देखना चाहिए, इसके लिए हम एक संक्षिप्त जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जातक जातिका तुला लग्न के हैं और चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ऐसे योग बन सकते हैं जो कि आपको प्रेम विवाह की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए हमने एक उदाहरण के लिए कुंडली लगाई है। ये तुला लग्न की है। आजकल जो देश प्रस्तुति काल है उसमें बच्चे लोग अपनी नौकरी आदि के लिए बाहर के प्रदेशों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, इस कारण से वो अकेलापन महसूस होता है और इस तरह के प्रेम संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप इस देश प्रस्तुति काल के कारण आप देख सकते हैं कि इस तरह का अगर वातावरण पैदा हो रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। तो ये उदाहरण के लिए कुंडली को हम जो तुला लग्न की उसको देख रहे हैं। सर्वप्रथम हमें इसमें देखना पड़ता है लग्न भाव, जो ये तुला का है ये पहला भाव है, इसको देखेंगे। दूसरा भाव, पंचम भाव, सातवां भाव, नवम भाव, ग्यारहवां भाव और बारहवां भाव, इन भावों को देखते हैं। इनके साथ साथ इनके स्वामी ग्रहों को देखते हैं। फिर हम शुक्र ग्रह है उसको देखते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो आपकी सुंदरता, प्रेम, वासना, भोग विलास, ऐश्वर्य आदि का कारक है। शुक्र शादी के लिए भी कारक है, इसलिए शुक्र ग्रह की स्थिति देखते हैं। उसके बाद में मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह पराक्रम है, साहस है, ये धैर्य है उसके अंदर, बल है उसके अंदर, जिसके बिना प्रेम संबंध नहीं हो सकते। तो मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में देखा जाता है। साथ साथ में आप ये देखिए, गुरु जो है जातिका कुंडली में पति सुख का कारक बृहस्पति होता है, तो उसकी स्थिति देखते हैं। इस तरह चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं, वो मन का कारक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, पहला भाव हम खुद होते हैं और दूसरा भाव हमारा कुटुंब है। जब शादी होगी तो कुटुंब में बढ़ोतरी होती है, इसलिए दूसरे भाव को देखा जाता है। पंचम भाव जो मेन है कुंडली का, यही है पुण्य संबंध का जन्मदाता है। इससे जो भी प्रेम के लिए हमें पंचम भाव का एक कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो पंचम भाव जो है वो अगर उनका संबंध लग्न भाव, सप्तम भाव जो शादी का भाव कहलाता है, ये सप्तम भाव है। लग्न से सातवां भाव जो होता है उसको सप्तम भाव को हम शादी सुख के लिए दे वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। ये प्रेम के लिए, विवाह के लिए हो गया। पंचम से पंचम नवम भाव भी भाग्य भाव है, उसको भी देखा जाता है। ये ग्यारहवां भाव जो है लग्न से, ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। यहाँ से सब तरह के इच्छा पूर्ति होती है, इसलिए यहाँ देखते हैं। और ये शयन सुख का जो है वो बारहवां भाव है। तो इसलिए जो भी है इन भावों को और उनके स्वामियों को देख के हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में कौन से ऐसे योग अब इनके द्वारा बनेंगे जो हमें प्रेम संबंधों की ओर ले जाएगा। तो ये जानने के लिए अभी हमने आपको बताया किस तरह से ग्रह भाव का हमें देखना है। तो सर्वप्रथम हम जो है पंचम भाव को देखेंगे। लग्न से जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम भाव है, पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे। तो पंचम भाव में 11 नंबर की कुंभ राशि है, इसका स्वामी शनि बनता है जो कि लग्न में बैठा है।
और जो शुक्र है प्रेम का कारक है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो जब भी और ये जो है शुक्र है इसके जो है लग्न का स्वामी है, तो पंचम भाव का स्वामी शनि और लग्न का स्वामी शुक्र, इनके अगर दृष्टि संबंध इस कुंडली में बन रहा है तो इस तरह का अगर दृष्टि संबंध बनता है तो प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में यही शुक्र और शनि जो है लग्न और पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठते हैं, शनि या युति करते हैं शनि और शुक्र की, वो भी आपके प्रेम विवाह की संभावना बढ़ाते हैं। यही युति अगर शनि और शुक्र की पंचम भाव में हो जाए, सप्तम भाव में, नवम भाव में, 11वें भाव में अगर बनती है तो प्रेम विवाह का कराते हैं। तो आपने जाता कि युति ये दृष्टि संबंध से आप देख लीजिए, या आपकी युति आपकी कुंडली में भी देखिए कि अगर तुला लग्न के जातक है तो आप पंचम भाव का स्वामी शनि बनेगा और लग्न का स्वामी शुक्र बनेगा। इन दोनों के अगर युति यानी शनि और शुक्र पहले भाव में, 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव में बैठते हैं तो ये योग बना देते हैं कि प्रेम भाव विवाह की संभावना बढ़ा देते हैं। इसी तरह से पंचम भाव का जब संबंध सप्तम भाव से बनता है, तो मान लो पंचम भाव का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी मंगल, इन दोनों का भी अगर युति संबंध बनता है तो भी जातक का प्रेम विवाह की संभावना बढ़ाता है। तो हम देखें कि पंचम भाव का स्वामी जो है वो शनि लग्न में बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी मंगल लग्न में बैठा है, तो मंगल और शनि की युति लग्न में हो गई है। तो ये युति के कारण जातक के प्रेम भाव की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी तरह से पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में, अर्थात यहाँ पे शनि हो और यहाँ मंगल हो, राशि परिवर्तन योग बोलते हैं। तो राशि परिवर्तन योग पंचम और सप्तम में होता है, इनके स्वामियों में तो भी प्रेम विवाह होता है। इसी तरह से इनकी जो युति बनी है मंगल शनि की, वो लग्न में हो, पंचम भाव में, सप्तम भाव, नवम भाव, 11वें भाव में होगी। यही मंगल शनि की युति आपकी कुंडली में देख लीजिए कि लग्न में है या पंचम भाव में बनी है या सप्तम भाव में, नवम भाव, 11वें भाव में बनी है, तो भी आपका शादी की प्रेम विवाह की संभावना बढ़ा देते हैं। इस तरह हमने देखा कि इनका संबंध पंचम से, आप नवम भाव से देखें, अगर पंचम भाव का स्वामी जो शनि है वो अगर नवम भाव का स्वामी जो बुध है उससे अगर कोई इस तरह का संबंध बनाता है तो भी प्रेम विवाह की संभावना बढ़ती है। तो हम देख रहे हैं कि शनि लग्न में बैठा है और उसकी दृष्टि बुध पे है, वो सप्तम भाव में है, अर्थात पंचम भाव का जो स्वामी है वो शनि और नवम भाव का स्वामी बुध, इनके दृष्टि संबंध बनाते ये भी विवाह के योग बना रहे हैं। तो इस तरह आपकी कुंडली में भी देख लीजिए कि इस तरह के योग बन रहे हैं, या इनकी पंचम भाव और नवम भाव के स्वामियों की युति लग्न में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम और नवम और 11वें भाव में हो, तो भी आपके प्रेम याहो के संभावनाएं बढ़ा देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अगर इस यहाँ देखिए कि 11वें भाव का जो स्वामी सूर्य है और यहाँ पंचम भाव का शनि है, ये अगर युति बनाए 11वें भाव में या पंचम भाव में और वो एक दूसरे से युति बना के यहाँ बैठ जाए और यहाँ बैठे, तो भी वो योग बन जाता है पंचम और 11वें हाउस का। और शनि का अगर शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठता, 11वें भाव में बैठता है, पंचम भाव में बैठता है या आपके सप्तम भाव में जैसा यहाँ बैठा है और लग्न में बैठता है, तो शुक्र की स्थिति भी लग्न में, पंचम में, सप्तम में, नवम में और 11वें भाव में बैठता है तो भी वो प्रेम याव के योग बनाता है, प्रेम याव की संभावना बढ़ाता है। इसी तरह शुक्र और मंगल की युति लग्न में हो, पंचम भाव में शुक्र मंगल बैठे हों, शुक्र मंगल सप्तम भाव में बैठे हों, शुक्र मंगल अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं, आप 11वें भाव में बैठे हों, शुक्र और मंगल की युति भी
कुंडली में इन भावों में बैठने से प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ाता है। ऐसे शुक्र मंगल की युति अगर यहाँ भी होती तो भी प्रेम विवाह होता है, तो शुक्र मंगल की युति से भी प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है। शुक्र और मंगल की युति के साथ साथ में अब आगे हम बृहस्पति को देखें। अगर बृहस्पति जो है ये यहाँ से नवम भाव को देख रहे हैं और शनि की दृष्टि भी देखें, यहाँ साथ बृहस्पति की दृष्टि यहाँ है, अगर मान लो शनि भी यहाँ बैठ जावे तो ये अंतर जातीय विवाह करवाता है। अगर राहु लग्न में बैठे और केतु यहाँ बैठता है और शनि साथ में हो तो ये भी अंतर जातीय विवाह कराता है। इस तरह से शनि शुक्र पे प्रभाव डाल रहा है तो ये भी अंतर जातीय विवाह कराता है। शनि की दृष्टि शुक्र पे है, जो शादी का कारक है उस पर दृष्टि बन रही है तो ये भी अंतर जातीय विवाह कराता है। इसका मतलब है कि नवम भाव पे राहु केतु शनि का प्रभाव और बृहस्पति वहाँ पे हो तो वो अंतर जातीय विवाह कराता है। ऐसे पापी ग्रह अगर दूसरे भाव में आ जावे, शनि राहु केतु अगर दूसरे भाव में बैठते हैं वो भी अंतर जातीय विवाह कराते हैं। यहाँ देख रहे हैं केतु है, सूर्य की दृष्टि है, या मंगल शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो भी अंतर जातीय विवाह कराते हैं। तो इस तरह से आप कुंडली में, अपनी कुंडली में जो जो हमने बताया वो देखिए। इसी तरह से अगर आप नवांश कुंडली का भी सहायता लेना चाहिए, नवांश कुंडली में भी पंचम भाव के स्वामी, लग्न लग्न भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी तथा शुक्र मंगल, इन सब का योग अगर वहाँ पे राशि परिवर्तन में जैसा यहाँ देखा युति में देखा ऐसे नवांश कुंडली में भी बनते हैं तो वो भी प्रेम विवाह के संभावनाओं को बढ़ा देता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि जितने भी योग कुंडली में ज्यादा बनते हैं वो प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। तो ये आप अपने कुंडली जो है उसको देख के आप जान सकते हैं। इस तरह से आप तुला लग्न के जो जातक और जातिकाएं हैं वो देखें कि शुक्र मंगल की युति हमने बताई यहाँ पे लग्न में पंचम भाव में, सप्तम भाव, नवम भाव, ग्यारह भाव में हो तो प्रेम विवाह कराते हैं। फिर राशि परिवर्तन देखा हमने, लग्न और पंचम के राशि परिवर्तन, लग्न पंचम और सप्तम भाव के राशि परिवर्तन, पंचम भाव और नवम भाव के राशि परिवर्तन, पंचम भाव और ग्यारह भाव के राशि परिवर्तन तथा शुक्र की स्थिति लग्न में, शुक्र और मंगल की स्थिति लग्न में पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, ग्यारह भाव में होने से भी शादी के आपके प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। और शनि राहु केतु का प्रभाव अगर बृहस्पति और शुक्र पे होता है तो वो जातक को अंतर जातीय विवाह करवाते हैं। तो इस तरह आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण करके जान सकते हैं अगर आप तुला लग्न के हैं तो। इस तरह से आप प्रेम विवाह की संभावनाओं को अपने कुंडली में देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दीजिए। और आपको मेरे से टेलीफोन से परामर्श चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। अगर आप मामूली दक्षिणा उसमें दे रहेगी, अगर मामूली दक्षिणा आप देते हैं तो आप टेलीफोन से परामर्श कर सकते हैं। इस तरह आपको मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।